हाँ भाई कैसे कैसे ना आज अभी मलेरिया के मच्छर क्या हाल है? बढ़िया, गांव के गोबर। हेलो, ये नहीं बोलता रह नहीं दो। टेस्ट आता तुम यार, वो टेस्ट भी था आज। हाँ, डांट पड़ेगी अब। वेलकम करने की जरूरत नहीं है, हम पधार रहे हैं। और भी कैसे है? बेइज्जती हो गई। बैठ जाओ ऐसी। हमारा कुत्ता भाव 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 सुन ना लियो। मैं तो कुछ नहीं। टेस्ट है, सबसे पहले मेरा तेरा टेस्ट लेंगे। और मेरे पास मेरा भाई है। फिर हो गई। और नाली के कीड़े कैसे? हेलो। अरे कैसा है? अरे कैसा है? ठीक है, बढ़िया। तू पीछे जा, ये बंदा चोकर है। पढ़ ले टेस्ट है। देखो वीडियो, देखो वीडियो बताता तुम्हें। वीडियो देखो। अरे तू पीछे चल, चल पीछे जा, तू पीछे चला जा। क्या देख रहे हो? अरे ये लड़कियों के देखने की चीज नहीं है, तू बैठी रह। पढ़ो। मैंने भी देखनी है। मेरे को फ्रेंड क्यों बनाया अगर दिखाते नहीं हो? ओ मजा की मच। मैडम जी, जय माता दी। ये टाइम है ऑन द, ये टाइम है, जो बैठो। क्या बात है मैम, आज बड़े ब्यूटीफुल लग रहे हो। देखो देखो मैडम। भाई ये तो फेयर लवली का कमाल है। क्या इतना नोटिस कभी पढ़ाई को भी कर लिया करो? टेस्ट था तुम्हारा, आज आता है कुछ? सोनू बेटा तुम बताओ, ऑरल टेस्ट लूं या रिटन टेस्ट? मैम आप तो दोनों ही ले लो। अरे हम बच गए। आज टेस्ट सोनू का है, हमारा नहीं है। चलो घर चले। चलो। ओ ठंडा रहे ठंडा। तुमने तो वैसे भी कुछ लिखना नहीं है टेस्ट में, करना तो सिर्फ उसी ने है। पूरी क्लास में टेस्ट पूछूंगी भी तो उसे ही ना मैं। चलो बेटा, तुम लोगों ने रिटन टेस्ट में वैसे तो कुछ करना नहीं, मैंने अपने पेन की इंक ही खराब करनी है। इससे अच्छा तुम्हारा ओरल टेस्ट लेती हूँ आज। यार संभाल लियो यार, तू भी संभाल लियो। बता, अरे अपना बुक लिस्ट देख लेंगे। ऐसे ऐसे करती हूँ ना। बेटे तुम खड़ी हो। शाबाश। यस मैम। व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशन? ऑर्गेनाइजेशन इज लाइबिलिटी ऑफ अ पार्टनर। बेटा तेरे को कुछ नहीं आता, सारा दिन इंस्टाग्राम पे सेल्फी लेने से तुझे छूट नहीं है। बैठ जा बेटा, आगे से पढ़ के आई। ओके चल। मैडम का मूड बढ़िया लग रहा है आज। एक और आ गया। पीछे देखो, पीछे पीछे देखो। हेलो गाइस, कैसे हो? ठीक है। बेटा बुक्स कहाँ पे हैं? पार्टी करने आए थे यहाँ पे? नहीं मैम, शायद लगता है मैम मेरे पीछे कुत्ते पीछे पड़ गए थे, शायद उन्होंने पढ़ने के लिए रखी। कुत्ता बेटा तो भी है, तूने उनके पीछे पड़ा? नहीं मैम सॉरी, देखो थोड़ा छोटे। चलो जाओ बेटा। अरे क्या बात है भाई, अब बड़े फिट हो गए। व्हाट
So easy question. Organization is the business management who will. Thank you, ma'am. बेटा मुर्गा बनो चल पुतला गया नंबर मैम मुर्गा बनते कैसे हैं वैसे ये तो बता दो अब ये भी बताना पड़ेगा कुछ तो सीख लिया कर हर चीज पढ़ाऊं तेरे को चल दिखाती हूँ ऐसे देखो बना दिया मैडम को मुर्गा अरे मुर्गा नहीं मुर्गी बन गई बताती तेरे घर पे ट्यूशन वाले टीचर को मुर्गा बनाया ना तूने अरे आप तो खुद आगे बन के मुर्गा मुझे बोल रहे हो मुर्गा बन चल बन रहा हूँ चलो बेटा सोनो बेटा तेरे को सब कुछ आता है ना तो उससे कुछ नहीं पूछूंगी ठीक है चल तू उठ जाइंड में What is business? मैडम जी गौ हमारी माता है हमको कुछ नहीं आता है इसलिए हम चले हसो मत समझ नहीं आता मैं इनके पास पढ़ रही हूँ मेरे पास पढ़ रहे हैं चल तू मुर्गा बन किधर जा रहा है मैम इसको भी मुर्गा बनना नहीं आता आप फिर से दिखा सकते हो दसा देनो बन मुर्गा मैं आता इसको बनना बना दिया अंडा ना दे दी नहीं तुम क्या रखना तुम ना दे दो चलो व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशन अरे कोई तो बता दो यार मुझे मैडम जी मेरे को आता नहीं है टेस्ट क्या हुआ बिनोद आज तो नहीं बताऊंगी तुझे भाई अगर हमको आता होता तो हम वहाँ पर बैठे ना होते हम जहाँ पर क्यों बैठे नॉन चांसलर का भाई तेरे तो एल लग गए बेटा ट्यूशन आते क्यों स्कूल भी मत जाओ टाइम पास नहीं होता चल बेटा तू भी मुर्गा बन मैम ऊंट बना ऊंट हाँ बात तो सही है बेटे ऊंट बन जा मैम बनना नहीं आता जैसे तुम मुर्गा बनकर दिखाया था ऊंट बनकर भी दिखा दो मुझे तुम भी आ जाओ तूने अड्डा दिया नहीं तूने बेटा तू बैठ जा ठीक है तू बैठ जा मैम ये तो बहुत नाइंसाफी है उसको मुर्गा ही बना दो हम भी खड़े होंगे बेटा तुसी बहुत नाक में दम करते हो अब कल करना नाक में दम भाई चलो छुट्टी हो गई हाँ ओहो मेरा भाई मैं चल मैं चलिए मर्जी है मैं तो हेल्प कर रहा था चलो भाई The next day बिस्कुट तो खा ले पहले मैं भूल गया मुर्गा कैसे बनते थे छोड़ तुझे इसका असर थोड़ी है याद है Thank you.
मैम ये बिस्कुट खा रही है और को पकौड़ियाँ खा रहा है। ओए मेरी तो किस्मत ही माड़ी है। दे अरे वाह कुरकुरे वाली है। मैं भी तोड़ी दे दो। मैं भी तोड़ी दे दो। उठो किसके बंदे की छुपा सारे मुर्गे बनो। चलो मैंने कुछ नहीं लिया। सोनू बच्चे तुमको तो मैंने कुछ कहा ही नहीं। ये भी खा रहा था। हां मैंने कुछ नहीं खा रहा। बेटा सोनू ज्यादा पढ़ने का शौक है। आइंस्टाइन बना दूं। एक्सक्यूज़ मी मैम मेरी फीस कितनी थी मुझे पता नहीं। बेटे जितने तेरे घर में पैसे हैं उतने ले आना ठीक है। पाँच रुपए हैं। पाँच रुपए ले आऊं। Two days later. मैडम जी आपकी फीस। अरे हमने तो फीस कब की दे दी। तुम कितनी लेट हो। बैठ जाओ कोई बात नहीं। ये कहाँ पे है? ये आज आया नहीं मनकरण। एब्सेंट है। दो दिन से नहीं आ रहा। हाँ। मैं दो दिन से क्यों नहीं आ रहा मुझे क्या पता। यार वो गांव के गोबर को क्या हो गया। दो दिन हो गए आई नहीं रहा। ऐसे करे उसके घर जाके देख के आते हैं। यार देख लेते हैं है ना। कभी हमें बताते बिना कहीं गए ही नहीं। कभी भी नहीं। कभी भी जाना है ना हमेशा बताते हैं। बता के जाते हैं आपको। तो घर पे जाना पड़ेगा। चलो चलो कल चलते हैं फिर। अब तो बहुत शाम हो गई। चलो कल ट्यूशन के बाद चलते हैं। हां द नेक्स्ट डे। हाँ जी मैडम गुड इवनिंग। चलो स्टार्ट करें पढ़ना। चलो जी होमवर्क दिया था करके आयो। हाँ जी हाँ जी बिल्कुल नहीं किया। बच्चों छुट्टी होगी। मनकरण बहुत दिनों से आ नहीं रहा है ना। चलो कोई बात नहीं अगर कोई पता करे ना उसे कहना कि फीस ले आए। ओके ठीक है। चलो यार इसको तो फीस की पड़ी है। सारी फीस मांग रहती है। भूखा डाई है तो पैसे। चलो यार उसके घर पे चलते हैं। एक बार देखा था बेटर मुझको। चलो बहुत टेंशन हो रही है मुझे तो। चलो यार ए आगे से कर। आ गया जूडी भाई लड़के। भाई कॉपर जूडी भाई लड़के नहीं। ओ भाई ओ तुसी इत्थे किवें। पता नहीं यार आगे बिना बताए जाता नहीं। घर पे ही बैठा है फिर भी ट्यूशन पे नहीं आता यार। ये कोई बात बनती है। तू मेरा यार नहीं है। चलो यार चलते हैं। चलो यार यार नहीं यार मुझे ना यार कुछ प्रॉब्लम लग रही है यार। लग रही है। हाँ यार ये बहुत यार सैड लग रहा है यार। इसको बुलाते हैं। ओए गांव के गोबर रुक। ओ टिल्ली जुड़ी रुक। चल पहले वहां पे उधर बैठ। चल बैठो वहां पे। मेरी ना मम्मी बीमार है तो घर के सारे पैसे उसी पर लग रहे हैं। तो मैडम जब भी ट्यूशन पर जाता हूँ मैम रोज कह देती है मनकरण फीस नहीं लेकर आया। तो मैं क्या कहूँ उसे। मच्छर ये ले ये होगी तुम्हारे ट्यूशन की फीस। और ना हम थोड़े से पैसे और इकट्ठे करेंगे। थोड़े से और इकट्ठे करते हैं तुम्हारे ट्यूशन की फीस हम पूरी करेंगे। ये ले कल जाके मैम को देगी। तुम बस रखना यार तेरे से ज्यादा इम्पोर्टेंट थोड़ा ना पैसे हमें। और यार
हम तेरी प्रॉब्लम भी नहीं समझ सकते क्या? रो क्यों रहा है यार? अबे रो क्यों रहा है? तुरंत करवा दे टिल्ली जुड़ी को। चल आ इधर आ। यार मुझे नहीं पता मेरे इतने अच्छे दोस्त हैं। इतने अच्छे बहुत अच्छे दोस्त हैं तेरे, मैं भी आ रही हूँ। हट लड़की थोड़ी चिपकती है। कमीने सुधरियो मत तुम तीनों। अरे इतने कमीने दोस्त तभी तो जिंदगी में है मौज। Hasan.